ऑलराइट K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट। तो सीधे चलते हैं हम लाइव मैच के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम ऑन कोर्ट द टीम वॉरियर्स अरेना। So ladies and gentlemen, please welcome on court the team Amit Ashok Academy. Put your hands together for ladies and gentlemen, Amit Ashok Academy. Namaste and welcome to our final pool matches of the K7 Kabaddi and मैं हूँ आपका host और commentator आज के लिए अरविंद and along with me we have a very interesting guest today। हमने श्री मूरख सिंह जी को invite किया हुआ है। श्री मूरख सिंह जी एक बहुत बड़े कबड्डी प्रेमी तो हैं but more importantly वो कोविड अवेयरनेस की कोशिश करते हैं, लोगों की मूर्खता से को सामने लाते हुए। सो आई हैव मिस्टर मूरख सिंह ऑन एंड एज ही होपफुली एज ही कम्स ऑन बोर्ड मैं आपको टॉस तक लेके जाता हूँ। नमस्कार अरविंद जी, हम हाय मूरख सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमको इधर प्रस्तुत करने के लिए। हम तो चाहते हैं कि ट्रिपल ए ही जीते, हमारे उनके साथ है। ट्रिपल ए बहुत दिया है, हमारा जो माइक का बैटरी है उसमें भी डलता है। यूएस में जब भी गाड़ी अटकती थी तब भी ट्रिपल ए को बुलाते थे और जब भी दर्द होता है हमें तब भी हम आ करते हैं, जिसमें 3 ट्रिपल ए भी होते हैं। तो हमारा तो भैया एकदम क्लियर है कि हम अपनी कमेंट्री एकदम बायस्ड करेंगे ट्रिपल ए की तरफ। मिस्टर मूरख सिंह जी, ट्रिपल ए एक्चुअली अकेडमी का नाम है। वो पूल अच्छा K7, हाँ वो K7 कबड्डी क्वालिफायर के पूल डी से वाइल्ड कार्ड लेकर क्वालिफाई हुए हैं इस टूर्नामेंट में। जब जो पूल भी अभी चल रहा है वो पूल का लास्ट गेम है और K7 पूल में ये एक्चुअली पूल तो टॉप कर रहे हैं, तो ट्रिपल ए बहुत बढ़िया। हम भी पूल में नहीं, हम तो एकदम बात मानते हैं, बल्कि जो भी पूल में जाता है, हम भी काफी स्विमिंग किए हैं अपनी जिंदगी में, जो भी पूल में टॉप करता है हम उसी का समर्थन करते हैं। तो फिर से हम यही चाहते हैं ट्रिपल ए जीते। और वैसे वह दूसरी टीम भी काफ़ी अच्छी लग रही है, अब इसमें भी देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं, ऑलराउंडर भी है, डिफेंडर भी है। और दूसरा वाली टीम में हमारे नाम से भी कोई है, हम देखे साहिल जगदीश है नाम पे, बहुत बढ़िया, हमारा असली नाम है जगदीश। अब वैसे अरविंद जी, हम कभी वैसे फॉर्मल कबड्डी नहीं खेले हैं। वैसे कबड्डी हमें तो लोग बहुत मारते पीट के चल के भाग जाते थे, तो फिर हम उनको जाके छू देते थे और पाँव छू के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग लेते थे, तो उस तरह से कबड्डी खेले हैं। लेकिन ऐसा प्रोफेशनल लेवल पे आप में बहुत बहुत खूब तरीके से आपने ये अरेंज किया हुआ है, आपको बहुत मुबारक, आप और आपकी टीम को। इतना बढ़िया आप कबड्डी को लाए हैं और इतने अच्छे मैदान पर आप लाए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत पैसा भी खर्च किया होगा आपने। लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि आज हमसे कुछ सीखें आज ये कबड्डी के बारे में। चलो तो हम आपको सिखाते हैं। अभी जो हो रहा है उसको टॉस बोलते हैं। The way the sport works is, I think the most important thing that you spoke about is this platform all these young children are getting, right? Kabaddi Adda dot na great job in taking this tournament, but FanCode carrying this live, you know, honestly FanCode allowing somebody like you to come on board, talk about awareness, and you know, like you said, to learn a little more about kabaddi. I think taking kabaddi grassroots online, taking more people to get aware of the sport is very important. For example, in today's game, the Amit Ashok Academy has nothing to lose, right? They have already topped the pool, and the Warriors Arena are out of that pool game, right? They, even if they win this game by a massive margin, they will still miss the third place in their pool by just 1 point. The Deepak Nivas Hooda Foundation just won their previous game and are points. The Warriors Arena are on 4, so even if they can get to, but they have a lot to play for. With the case coming up, there are always wild opportunity to get a wild card entry. The Amit Ashok Academy, जो सामने खड़े हैं, ट्रिपल ए जो आप बोल रहे थे, they entered this tournament with a wild card entry. तो wild card entry इस tournament में होता है and अच्छे-अच्छे performers को हम देते हैं वो बीच-बीच में। नहीं, बिल्कुल सही, एकदम wild लग रहे हैं वैसे। बोलिए अरविंद जी, सॉरी एक आपको एक बात दाद की बात देना चाहते हैं। आप जो प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, बहुत बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया और इस प्लेटफॉर्म का सबसे जो मुख्य इम्पोर्टेंस है कि कोई प्लेटफॉर्म टिकट की जरूरत नहीं है, कोई भी आके देख सकता है कबड्डी और कोई भी शामिल हो सकता है कबड्डी में। सर ये ऑडियंस का स्पोर्ट है, तो यहाँ पर टिकट नहीं, जो भी टिकट लोगे आप कोविड के लिए स्पेक्टेटर लेस टूर्नामेंट बनाया है। जो स्पेक्टेटर्स आपको दिख रहे हैं सब इसी एकेडमी के बच्चे हैं। ये एकेडमी श्री अनूप कुमार जी का है। ही इज कंसिडर्ड द कैप्टन कूल ऑफ कबड्डी। वो इनफैक्ट फ्रेंचाइज कबड्डी खेलते थे बिफोर ही बिकेम अ कोच। ही इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। सो उनके एकेडमी के बच्चे हैं, बस उसके अलावा तो कोई ऑडियंस होता ही नहीं है। ए, बहुत बढ़िया बात है। हम मूरख सिंह हैं। आप लोग सोचते होंगे हमारा नाम मूरख सिंह क्यों है। मूरख है इसलिए क्योंकि हम लोगों की कोविड के प्रति जो मूरखता है हम उसको पकड़ते हैं। नंबर 5 इतने कूद क्यों रहे हैं भैया, जरा समझाइए। देखिए उन्होंने इन दिस रेड ही अटेम्प्टेड अ बोनस। अरे रेड हो रहा है, रेड हो रहा है मतलब कुछ इलीगल चल रहा है क्या? रेड हो रहा है तो द 6 और 7 डिफरेंट मैच अमित अशोक एकेडमी वन प्लेयर आउट हो गए के बेंच पे जाके बैठते हैं। अभी आगे जो आया हुआ है जर्सी नंबर 5 में वो है अनीश। वो आए हुए वॉरियर्स अरीना से। वो देखो दोनों साइड पे पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो सामने वहां पे ले रहे हैं, फिर यहाँ पे जब वो इस तरफ आए वो पीछे से डिफेंडर आए। एज दैट हैपेंस you will notice that teams are constantly trying to take points off of each other. Now you are seeing jersey number 11 Mr. Jaswant from the AAA academy. Isme you know Murak Singh ji most interesting hai ki Anu aur Jaswant abhi raid kar rahe hain. Unhone abhi tak ek game bhi nahi khela hai. Acha अब हम समझे रेड का मतलब, नहीं तो हम ये सोच रहे थे भाई गेम का रेड तो नहीं बच गया, लेकिन बहुत अच्छा है। वैसे ये इसको रेड का मतलब यह है कि आदमी जाके जो छूता है और जो छूके आता है वापस अगर जिंदा लौट जाता है तो वो रेड सक्सेसफुल होता है, ये कह रहे हैं। वेरी गुड, आप समझ चुके हो, आप कबड्डी एक्सपर्ट बन गए हो अभी तो। अच्छा ये अरविंद जी दो लकीर क्यों लगाए हुए उधर, दो लकीर क्यों लगाए हुए रेड के पास? चलो वेरी गुड क्वेश्चन। जो सामने वाला लाइन है उसको बॉक लाइन बोलते हैं। तो बॉक रेडर को बॉक लाइन क्रॉस करना जरूरी है। जब तक रेडर बॉक लाइन क्रॉस नहीं करता है वो रेड लीगल नहीं माना जाता। और पीछे वाला लाइन है उसी को हम बोनस लाइन बोलते हैं, राइट। बोनस लाइन का ये है, अभी देखो 6 डिफेंडर है, करेक्ट। तो जो रेडर है वो बोनस ले सकता है। बोनस लेने के लिए उनको वो दूसरा लाइन क्रॉस करना है और उनका पैर दूसरे पैर को हवा में होना चाहिए। पकड़ लिया 11 को कैसा पकड़ लिया है। वैसे नाइंसाफी है भैया, एक इंसान को भेज के 6-6 लोग ऐसे पकड़ लेंगे चारों तरफ से तो कैसे चलेगा। वैसे कोशिश तो भरपूर किया था लेकिन इनको पकड़ लिया है बहुत अच्छी तरह से 14 लोगों ने। अच्छा नंबर 14 ने जर्सी नंबर वॉरियर्स अरीना से हिमांशु है। साहिल रेड कर रहे हैं हमारा नाम, हमारे नाम का थोड़ा लाज रखिए साहिल जी। नंबर 1 नाम चुने हैं आप एकदम, और चाल तो देखिए बहुत बढ़िया एकदम शेर की तरफ लग रहा है। वाइल्ड कार्ड एंट्री वाले भाई भाग वापस को चले गए। अब रोहित विजय आ रहे हैं, इनकी विजय हो, देखते हैं कि साहिल ये जो किया था वो एम्प्टी रेड बॉल टीम इसीलिए करते हैं ताकि उनको थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिले डिफेंस को समझने का, परखने का। अच्छा रेड ही खाली करके आए हैं। अच्छा और ये भी खाली रेड करके आए हैं विजय वाले। अभी आप एक और चीज देखोगे, ये रेड अगर उन्होंने खाली कर दिया अनीश ने तो फिर वॉरियर्स अरीना ने 2 बैक टू बैक रेड्स खाली एम्प्टी रेड्स किए हैं। तो फिर तीसरा रेड बनता है डू और डाई रेड। अगर ये रेड में वो पॉइंट लेके चलता है तो दिक्कत नहीं है, बट ये दिख रहा है कि एम्प्टी रेड होगा, है ना। देखो किसी को छुए नहीं, वापस गए। अभी अगले रेड में जब वॉरियर्स अरीना आएगी वो एम्प्टी रेड होगा। वो एम्प्टी रेड नहीं, वो डू और डाई रेड करना ही पड़ेगा। तो उस रेड में कोई तो एक्शन होगा। ये देखो डिफेंडर रेडर ने कोशिश तो की बट डिफेंडर ने रोक दिया। अरे अब हम एकदम समझ गए अरविंद भाई, हमारे पुलिस में भी ऐसे ही होता था, हम रेड मारते थे सब खाली खाली होके एम्प्टी रेड, फिर बाद में वो डेडलाइन डाल देते हैं, फिर डू और डाई सिचुएशन हो जाती है, फिर जिसको भी सामने होता है ऐसे ही पकड़ लेते हैं, जैसे इनको पकड़ा है 4-5 लोगों को उनका अंदर कर देते हैं, एकदम ऐसा ही है पुलिस की तरह हमारा, जैसे चोर पुलिस का खेल होता है। लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत आनंदित खेल है ये, सब लोग लोकप्रिय अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं, बच्चे बूढ़े भी, तो बहुत अच्छा हमको मजा आ रहा है। ये नंबर 4 अभी अंदर आए हैं, नंबर 9 बाहर क्यों गए हैं? तो उनको लगा होगा अमित अशोक एकेडमी को कि उनके जो प्लेयर हैं उनका लेफ्ट कॉर्नर थोड़ा वीक था अभी तक, तो उन्होंने ये जो अंदर आया उनका नाम है अक्षय कुमार है, बहुत ही अच्छा लेफ्ट कॉर्नर है, तो उनको लगा होगा कि अभी लेफ्ट कॉर्नर ठीक चल नहीं रहा है, जो भी जर्सी नंबर 9 में थे दीपक, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस वीक हुआ रहेगा। अभी देखो 4 डिफेंडर हैं है ना मैट पे, आपको दिख रहा है समझ गए एकेडमी, तो 4 डिफेंडर दीपक बुझने से पहले बाहर निकाल दिए। हाँ और सीधे साधे अक्षय को अंदर ले आए। और जर्सी नंबर 5 अनीश क्लेम कर रहे कि उन्होंने टच किया है डिफेंडर को, और डिफेंडर बोल रहे कि टच है ही नहीं। देखो दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन कबड्डी, राइट, इट्स वेरी टफ फॉर द रेफरी टू मेक दिस डिसीजंस इन रियल टाइम, बिकॉज सिर्फ रेफरी को कुछ दिखता है, दोनों प्लेयर बोलते हैं कि एक बोलते हैं कि मुझे टच हुआ नहीं, दूसरा बोलते हैं टच लगा। अभी रेडर ने क्या किया होगा, राइटली शर्ट को टच किया होगा, डिफेंडर को पता भी नहीं चलता, सो इट बिकम्स वेरी टफ एज अ डिफेंडर टू यू नो से नो नो आई गॉट टच बिकॉज ही इज मूव्ड बैक, राइट, इट इज हिज जॉब टू मूव बैक इन टाइम। एंड आपके साहित्य समझ गया नहीं समझ रहे हैं, नहीं तो बहुत टची टॉपिक हो जाता है। वैसे अगर कोई छूता है किसी को तो फिर ऐसा मुश्किल हो जाता है, किसी को कोई पसंद थोड़ी है कोई छुए कि नहीं। लेकिन हाँ ये एक बात बोलना चाहते हैं सभी ऑडियंस को, अगर कोई मना करे तो नो इज नो, नो बोले तो छूने का नहीं है, लेकिन खेल में तो ये टच करने के बिना तो पॉइंट मिलेगा नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन हाँ टची सब्जेक्ट है ये एकदम। थैंक यू मूरख सिंह जी। And as you just noticed, right, there was a point here. देखो अक्षय इसीलिए अंदर आए थे, ये अभी सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आए, फटाफट पॉइंट लेने लग गए। He is a very good left corner, and when you have a player of that caliber in your defense, बाकी की डिफेंस भी परफॉर्म अच्छे से, तो किसने किस परफेक्शन से टैकल कर लिया, उसी को एंकल होल्ड बोलते हैं जो अक्षय ने अभी किया है। हाँ पैर छुआ और आशीर्वाद भी मिला है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, थोड़ी संस्कृति मेंटेन किया हुआ है। हाँ ओए बाप रे, पकड़ लिया नंबर 11 को, 11 नंबर फ्रॉम वॉरियर्स अरीना साहिल, आपके साहिल जगदीश ने ही 11 नंबर फ्रॉम जसवंत को पकड़ लिया। जगदीश जी आपके साहिल जगदीश तो ठीक परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक, अगर आप जाएंगे कैसा नहीं करेंगे जगदीश, अगर आप जाओगे kabaddiadda.com पे आपको ये ना ये मैच का लाइव दिख जाएगा कि हर प्लेयर के कितने पॉइंट्स हैं, अभी तक कितने पॉइंट लिए हैं, कितने घटाए हैं। आपको कुछ डाउट है तो देख लेना और पूछ लीजिएगा हमसे, बता देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये अरविंद जी हम आपसे एक अपने मतलब की बात पूछना चाहते हैं, हम कोविड का अवेयरनेस करते हैं, अब ये इतना छुआछाई हो रहा है, ये आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि सब अपना कोविड का प्रोटोकॉल मेंटेन हो रहा है इधर? देखो ये जैसे हमने डेकिंग करती है फिर वो उसी बाबुल में रहते हैं, हमने बुक किया है इनके लिए, तो टीम साथ में अच्छा गुब्बारे में रहता है मतलब no, they stay in a booked accommodation, the equivalent of a hotel, and the teams every team stays themselves. Teams don't have to come in with 2 negative RT-PCR 3 days up, and once they come in, they're checking that is happening. Other than players and refs, everyone else is mandated to use masks at every time at the event arena, even if they are part of this bubble. Even commentators are expected to use a bubble. तो आपका मेरा जो voice muffled सा लग रहा है ना, वो मैं mask पहन के बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमारा तो पैदाइशी नकाब है, चेहरे का कोई उतार ही नहीं पाया, लेकिन ठीक है, ये अच्छा है कि इतने आपने बात समझाई, और ये प्रोटोकॉल मेंटेन करना जरूरी है कोविड का, नहीं तो अलग तरह का रेड पड़ जाएगा इधर। हम चीज हैपन, अभी जो आप देख रहे हो रोहित विजय तो फैंटास्टिक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, का जो सेकंड बैकअप टीम है उनका डजंट सीम टू बी अप टू द मार्क, बट AAA अकेडमी जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो उनका टीम परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा दे रही है अभी तक। तो देखो 3 पॉइंट का लीड भी है अमित अशोक अकेडमी, लास्ट मैन है। ये तो अक्षय कुमार को फिर से पॉइंट आ गया, उन्होंने रेडर को डैश बहुत ही बढ़िया। ऑल आउट होता है कबड्डी में तब ऑल आउट, वरना हर टाइम तुमको तभी पॉइंट मिलता है जब प्लेयर को तुम आउट करते हो। यहाँ पे द अमित अशोक अकेडमी गॉट 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर बोनस पॉइंट अमित एंड अशोक अकेडमी। बिल्कुल हम समझ गए ऑल आउट। हम भी बिल्कुल हम भी जब घर में ऑल आउट लगाते हैं सब मच्छर भाग जाते हैं एकदम। बहुत सिंपल सा गेम का रूल है ये सब। कबड्डी इज सो एक्साइटिंग बिकॉज इट्स सच अ सिंपल गेम, वेरी सिंपल रूल्स। भारत का खेल है, भारत के ऑडियंस हैं एंड प्लेयर्स भी भारत से ये हैं। द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ कबड्डी आर इन इंडिया एंड यू नो हरियाणा, the home of Kabaddi, probably has a large contribution to some of the best players in the country. We are doing the event also in the academy of Mr. Anoop Kumar, who himself is an Arjuna awardee and a great exponent of the sport of Kabaddi. वैसे वो तो पुलिस से ही है, जैसे आप बोल रहे थे। ये खेले हैं, हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अनूप कुमार जी। शायद हम उनसे बात भी कर चुके हैं एक बार, याद नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म जो आप बोल रहे हैं जो लाया गया है। और ये गेम एकदम सिंपल सा है, कोई भी समझ सकता है और ये बहुत अच्छी बात है। हरियाणा में तो हम देख ही चुके हैं कबड्डी, हम कभी कभी हरियाणा जाते हैं उनसे बिना पूछे भी कबड्डी खेल लेते हैं, लेकिन इस तरह से हम सीख जाते हैं खेल को बहुत जल्दी। देखो अगर आप देखोगे इस रेड में जब अनु को पूरे वॉरियर्स अरीना डिफेंस ने पूरा जुड़ के पकड़ लिया, इट इज द काइंड व्हाट अनु वाज ट्राइंग वाज अ डुबकी। तो वो रेडर के हाथ के नीचे से एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो जर्सी नंबर 5 अनीश ने जो ट्राई किया था उसी को टर्न बोलते हैं। इट्स अ वेरी गुड स्किल। इसी टर्न की वजह से अभी गेम का रुख मुड़ रहा है। बहुत अच्छा। ये इनको पॉइंट मिला क्या? छू के गए हैं ना? हाँ छू कर गए हैं, उनको एक ही पॉइंट मिला। वो थोड़े और एफर्ट करते तो वो 2 और पॉइंट ले सकते थे क्योंकि बहुत डिफेंस उनके आसपास ही था। बट इट इज a very good skill what he just displayed. And on the other side, Rohit Vijay is continuing to score points for the Amit Ashok Academy, you know, making it a very, keeping this game where the Amit Ashok Academy will really want it like this, right? Where they'll want to end their pool stages right on top, carry the momentum into the Super 6 matches that start tomorrow. So if you are the Amit Ashok Academy, maintaining momentum is a very important thing. ये मोमेंटम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अरे नंबर 9 के ऊपर कितने सारे लोग आ गए। मोमेंटम अच्छा मेंटेन कर रहे थे इधर उधर उछल के। वन थिंग इस गेम में बहुत अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। हाँ जी बताइए। वेरी इट्स ऑल अबाउट मिस्टर बोली हमारी शादी नहीं हुई अभी तक। अच्छा 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 तो शादी होने के बाद मिस्टर बनते हैं क्या लोग? मास्टर मोरक से। हाँ ऐसा मिस्टर मिसेस मिस नहीं सुने हैं क्या? जब मिसेस बोलते हैं तब शादी हुई है, वैसे हम मिस्टर हैं तो शादी के बाद बोलेंगे ना, अभी तो हम मास्टर हैं। अगर आप इन बच्चों को देखोगे जो खेल रहे हैं, इनको हम मास्टर बोलेंगे। आपका आवाज सुन के तो लगता नहीं है कि आप एक मास्टर हो, थोड़े ओल्ड जैसे लग रहे हो सर। आपको बोलना तो सच तो बोलना जरूरी है ना एज अ को कॉमेंटेटर। नहीं नहीं सच तो बोलना है, सत्यमेव जयते। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने देखा इस टाइम पे जर्सी नंबर 10 में वॉरियर्स अरीना ने आके टच किया। तो आप यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ क्या डेलिब्रेशन हो रहा है। सचिन ने अटेम्प्ट, हाँ ये क्या घुसपुसा रहे हैं आपस में? देखो रेफरीज आर ट्राइंग टू डिसाइड इफ द प्लेयर गॉट अ टच। अभी 5 रेफरी मैट पे रहते हैं, सो दे आर टॉकम इफ दे आर कॉन्फिडेंट दैट द रेडर गॉट द टच, बिकॉज रेडर क्या हाँ रेडर आउट दिया उन्होंने। तो ये जो कैसे पता करते हैं अरविंद जी, ये भी उनको जो रेफरी है उनको कैमरा तो नहीं, तो वो कैसे बातचीत करके पता कर लेते हैं छुए कि नहीं है? देखो दिस इज द यू नो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कबड्डी, हैविंग रेफरीज हु कैन स्पेंड द फुल 5 मिनट्स वाचिंग द गेम। यू नो देयर आर 5 रेफरीज ऑन द मैट who are watching every moment on the game. It's a very important role, it's not an easy role, and as these referees are watching the game, they make their decision saying, okay, all five of them say, you know, if all of us have seen this touch, then we call that touch. Because as a raider, abhi देखो what he's doing is he's standing into the lobby area. Though red area है ना, उसको lobby बोलते हैं. So you are, as a player, you can't enter the lobby till there is a touch. तो ये तो raider को उन्होंने block कर दिया वैसे ही end to end. वरना अगर आप देखोगे the standard play area is the area in blue. And you can only step into the area in red once there is some contact between the raider or defender. So if the raider, and that is called the lobby area. So if the raider steps into the lobby without making contact with the defender, the raider is declared to be out. वही हुआ था पिछले रेड में. That is why all the referees had to discuss. और ये देखिए इस टीम में दो ही मतलब बाकी out हो गए हैं रेड कर करके. वो रेड करते हुए आउट हुए और रोहित विजय भी टच करके डिफेंडर्स को भी आउट कर रहे हैं हर टाइम. ये दोनों चीज़ें हो रहे हैं ना, वो रेड पे भी आउट हो रहे हैं और डिफेंस पे भी आउट हो रहे हैं. देखो वॉरियर्स अरीना आई कैन अंडरस्टैंड, दे आर यू नो अ वेरी डिस्पिरिटेड टीम, देयर क्वालिफाइंग स्पॉट बाय जस्ट टुडे इन देयर अर्लियर गेम टुडे, सो दे विल बी अ लिटिल सैड राइट नाउ, दे आर नॉट पुटिंग देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. आपके साहिल जगदीश पॉइंट लेकर जा रहे हैं सर, उनको ये इकलौते ही बचे हुए थे टीम में. हाँ, इकलौते बचे हुए थे. नंबर 1 लिखा हुआ, ये प्रेडिक्शन उनके शर्ट पे पहले से ही था कि एक ही बचा रहेंगे. वही है. तो अभी जर्सी नंबर 11 जसवंत है, वो आज के कैप्टन है अमित अशोक एकेडमी के लिए. इसको सर सुपर टैकल बोलते हैं. व्हाट यू सीन जस्ट नाउ व्हेन देयर आर 3 सर डिफेंडर्स ऑन द मैट, इफ दे स्टॉप द रेडर इट इज कॉल्ड अ सुपर टैकल. And when you do a super tackle, you get 2 points. Normally, जब defender raider को रोकते हैं, उनको सिर्फ 1 point मिलता है कि raider out होगा. If you stop a raider when there are 3 or lesser defenders, you get 2 points. So that is why the Warriors Arena now at 11 and the Amit Ashok Academy is at 20. 9 point तो कुछ भी नहीं होता कबड्डी में. एक all out कर देते हैं तो अमित अशोक Academy भी, और ये tight हो जाएगा, close to close फिर से हो जाएगा game. देखो again they have a super tackle. अभी फिर से डिफेंडर को रेडर को रोक दिया तो उनको और 2 पॉइंट मिलेंगे. तो आपको क्या लगता है आपके साहिल जगदीश रोक पाएंगे अनु को? अरे बिल्कुल रोक पाएंगे. अरे बिल्कुल बिल्कुल. अरे थोड़ा सा और भाई, कानून होते तो हाथ लंबे होते भैया, छू लेते लाइन को. लेकिन बहुत ही दिलचस्प गेम बहुत लग रहा है ये. हाँ, वेरी क्लोज, लुकिंग क्लोज, बहुत खुश लग रहे. अच्छा अरविंद जी, एक सवाल पूछना था, ये जो इतना धक्का मुक्की होता है, खींचा तानी, इसका पर कोई फाउल वाल होता है या जितना भी चाहे आप धर पकड़ सकते हैं एक दूसरे को? सो कबड्डी में एज अ डिफेंडर यू आर नॉट अलाउड टू डू सिसरिंग. दैट मींस यू कैन नॉट लॉक द ऑपोजिट प्लेयर इन अ होल्ड दैट इज डेंजरस. सो पुशेस, डैशेस, स्टैंडर्ड थिंग्स आर अलाउड. सिसरिंग व्हिच इज अ वेरी इट्स अ रेसलिंग मूव इज नॉट अलाउड इन कबड्डी. Other than that, almost everything, dhakka, everything is allowed. As players, you know, one of the nicest things I've noticed, most kabaddi players are among the nicest kids. So everyone cares about their opponents and about their own team. So people, even when you are dashing out a raider, people try hard to be effective, but not harsh. Minute they know that. समझ गए. अभी रोहित विजय ने एमपी रेड किया है. हाँ. वैसे हम देखे हैं बहुत तेजी से पैर से भी छू लेते हैं रोहित विजय. करेक्ट. नाउ अभी अमित अशोक एकेडमी पे सुपर टैकल कर सकता है, उनके सिर्फ 3 डिफेंडर हैं और उन्होंने अनीश को रोक दिया तो 2 पॉइंट मिल जाएगा उनको. देखिए मूरख सिंह जी, ये जो कबड्डी है ना, इसमें सुपर टैकल एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट अहम मोमेंट है. क्योंकि अभी देखो वहाँ पे तो 3 डिफेंडर थे, एक आउट हो जाता तो उनके में सिर्फ 2 बचते. आगे जो रेड पे आता वो आउट हो जाता और टीम ऑल आउट हो जाती. टीम ऑल आउट मतलब दूसरी टीम को 2 पॉइंट. तो वो सुपर टैकल करने वाले जो डिफेंडर्स हैं ना, वो बहुत वैल्यूएबल है टीम में. जो सुपर टैकल के एन वक्त पर टैकल डाले और रोके रेडर को. आ गए आपके साहिल जगदीश, बहुत बढ़िया. साहिल जगदीश जी अच्छा काम कर रहे हैं. तो ये 3 लोगों पर ही सुपर टैकल क्यों होता है? जब 2 लोग करेंगे तो और भी मुश्किल होगा ना, उनको क्यों नहीं ज्यादा पॉइंट देते? नहीं, 3 और 2 दोनों, 3, 2 या 1, तीनों डिफेंडर्स में अगर आप टैकल डालोगे तो 2 पॉइंट मिलेगा. अब वॉरियर्स अरीना ने फिर से एक पॉइंट गिफ्ट कर दिया तो आगे जाके उनको फिर से सुपर टैकल का मौका मिलेगा. अभी सिर्फ 3 लोग बचे हैं वॉरियर्स अरीना के डिफेंस में, जब ये 11 नंबर आउट हो जाएंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं रोहित विजय बहुत बार रेड मार चुके हैं, तो ऐसा कोई रूल होता है क्या कि आपका लिमिट होता है इतना ही रेड मार सकते हैं या सबको एक एक बारी से चांस मिलना जरूरी है? नो, कबड्डी में दैट इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मूरख जी। एनी प्लेयर कैन डू एनी नंबर ऑफ रेड्स और एनी नंबर ऑफ टैकल्स। ये क्रिकेट जैसा है ही नहीं, तो अगर आपके पास दो बहुत ही फैंटास्टिक रेडर्स हैं यू कैन रन एन एंटायर गेम। ऑफन टीम्स कम इनटू टूर्नामेंट्स विद जस्ट 2 रेडर्स and you know if those 2 raiders are firing it's impossible to stop them, so you can play the game with 5 defenders and 2 raiders, but an ideal team combination is considered to be 4 defenders and 3 raiders kyunki aapke raiders to hamesha out hote rahenge, defender unke upar chadh jate hain and injury risk is higher for raiders, right? So raiders are typically not constrained in how many raids they can do and wo aapko dikhega when you come for later games। देखो अगर हमारा टीम आपको इनवाइट करते हैं आगे, वो मौका तो आपको देखना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा ये कबड्डी अड्डा के मस्त वाले प्लेटफॉर्म के इफ़ यू इनवाइट यू यू विल नोटिस मोर इंटरेस्टिंग रेडर्स एंड डिफेंडर्स कमिंग ऑन इफ यू कंसेंट टू कम ऑन बोर्ड अगेन। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये एकदम हमको लग रहा है जैसे फुटबॉल में होता है अटैकर और डिफेंडर वैसे होते हैं ना, जो गोल मारने वाले तो 2-3 लोग ही होते हैं, बाकी सब बॉल रोकने वाले होते हैं, पर फर्क इधर है कि बॉल की जगह इंसान है। आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, इफ यू लुक एट द एनबीए राइट बास्केटबॉल, इट इज इट्स वेरी सिमिलर टू कबड्डी, इट्स अ 40-minute sport, 40-45 minute sport, राइट? इट इज रेड बाय रेड, टर्न बाय टर्न होता है, पहले एक टीम शूट करती है फिर अगली टीम शूट करते हैं, यहाँ पे एक टीम रेड करती है फिर अगली टीम रेड करती है। एंड एज वी स्पीक द वॉरियर्स अरीना इज डाउन टू जस्ट 1 प्लेयर, जस्ट द नंबर 10 भी अभी आउट हो चुके हैं सचिन, एंड बस बचे हुए लास्ट मैन राहुल आए हुए रेड के लिए। नहीं यही बात तो हमको अच्छी लगती है हम हिंदुस्तानी में कि हम लास्ट तक लड़ते हैं, और ये जैसे आज हमारी सिंधु जी ने ब्रॉन्ज मेडल जो जीता है ओलंपिक्स में, एकदम ये अपना हार्डवर्क दिखा के लास्ट मिनट तक हार नहीं मान के एक सिल्वर सॉरी एक मेडल तो लेके आई है ना हमारे देश के लिए। तो ये जो हार्डवर्क होता है हमारे देश में, इस तरह के जो खेल होते हैं इसमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है बाकी जो एस्पायरिंग जो खिलाड़ी होते हैं उनको। दैट इज वेरी ट्रू मुरक सिंह जी, एंड प्लेयर्स नीड प्लेटफॉर्म्स एंड अपॉर्चुनिटीज। द ओलंपिक्स इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द बेस्ट एथलीट्स फ्रॉम इंडिया। वी हैव नॉट हैड द बेस्ट ऑफ ओलंपिक्स राइट नाउ। मिस सिंधु हैज हैड अ गुड टूर्नामेंट। नाउ वी हैव द हॉकी टीम व्हिच पुट इन अ फैंटास्टिक स्टिरिंग परफॉर्मेंस टुडे। उसी तरीके से कल सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं। करेक्ट, सेमीफाइनल्स खेल अंग्रेज को हरा दिए हैं, वो बहुत लेट हराए हैं लेकिन हराए हैं फिर से बहुत बढ़िया तरीके से। yes. अभी आप जो देख रहे हो अभी हाफ टाइम हुआ है तो 20 मिनट का पहला हाफ खत्म हो चुका है और फर्स्ट हाफ के बाद अमित अशोक एकेडमी इज लीडिंग द वॉरियर्स अरीना बाय 14 पॉइंट्स। सो दिस इज अ वेरी बिग लीड, बट जैसे आपको पता है अगर एक टीम 29-29 पॉइंट कर सकते हैं एक हाफ में तो दूसरी टीम भी कर सकती है। बट आई हैव टू से योर सपोर्ट फॉर द ट्रिपल ए अकेडमी नोइंग वेरी लिटिल हैज़ बीन वेरी स्ट्रांग। गुड पिक ऑफ अ टीम गोइंग इनटू द मैच। आपको कुछ स्टैट्स भी बता दें जो मैं कबड्डी अड्डा पे देख रहा हूँ। रोहित विजय हैज स्कोर्ड 7 रेड पॉइंट्स एंड जसवंत हैज गॉट 6 रेड पॉइंट्स। उसी टाइम पे अक्षय कुमार जो सब्सटीट्यूट होकर अंदर आए थे ना अमित अशोक अकेडमी के लिए, उन्होंने 6 टैकल डाले और 5 तो पॉइंट लिए। व्हेन अ डिफेंडर गेट्स 5 टैकल पॉइंट्स इन अ गेम इट इज अ रियली बिग अचीवमेंट राइट। इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट 5-6 पॉइंट्स एज अ डिफेंडर, वेयरएज एज अ रेडर इज मच इजियर टू अचीव दैट। ये देखिए आप हाइलाइट्स देखिए सामने एकदम नहीं बहुत सही। ये जो स्किल दिखा रहे थे ना उसी को डुबकी बोलते हैं कि वो डिफेंडर के हाथ के नीचे से निकलने का कोशिश किया, निकल तो नहीं गए। इस एंकल होल्ड से ही अक्षय ने चालू किया था गेम में परफॉर्मेंस। और अमित अशोक अकेडमी नहीं एकदम सही कह रहे हैं ये। हाँ वो जसवंत तो अच्छे खेल रहे थे इस गेम में, रोहित विजय भी खेल रहे थे, बट ये वो ऑल आउट वाला रेड था। एंड फिर अनीश जब रेड पे आ रहे थे उनको तो पूरा रोक ही दिया अक्षय कुमार ने। नहीं ये तो हम समझ ही गए थे, ये हमारे अंदर एक क्षमता है बहुत पहले से, हम पहले से ही पता कर लेते हैं कि कौन, बस जब हम पैसा डालते हैं उस टीम पे तब नहीं जीतता है, लेकिन बाकी समय हम अगर बोलते हैं तो जीत ही जाता है। तो पैसे पे याद आ गया, आपने ड्रीम11 पे टीम्स बनाए हैं इस टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट पे सभी मैचेस ड्रीम। अरे हमटी पानी चलता है ड्रीम11 से, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे 50 रुपए 100 रुपए जीत के तो हमारा भोजन पानी हो रहा है अभी। अरे ड्रीम11 पे आप बस 25 रुपए डालो और 5 लाख के कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। 5 लाख के कॉन्टेस्ट है, 3 लाख के कॉन्टेस्ट है, और कल से सुपर 6 के 3 मैच होंगे हर दिन, आप भूलिएगा नहीं। हर मैच पे आप अपना ड्रीम11 का टीम बना दीजिए, मैं तो आपको हरा दूंगा, मैं तो कबड्डी का एक्सपर्ट हूँ ना, तो वो टेंशन आपको रखना पड़ेगा। अरे देख लेंगे हम भी अखाड़े में, ऐसे भी हम भी कोई हम भी एकदम सीजन खिलाड़ी हैं इस मामले में, और ड्रीम11 से ही तो हमारे ड्रीम हो गए हैं बहुत सारे, अभी 11वें ड्रीम में चल रहे हैं हम। लेकिन बहुत अच्छा है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बाकी पार्टिसिपेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो भी खुश हो सकते हैं, हारते हैं तो वो भी गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है गेम का। ये आप एक बात बताइए, कबड्डी ओलंपिक्स में काहे नहीं है? देखो कबड्डी ओलंपिक्स में लाने के लिए बहुत सारे नेशंस अभी कोशिश भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक बहुत इस पे चर्चा हो रहा है। हम तो आगे के ओलंपिक्स में चाहते हैं कि 2028 के ओलंपिक्स में कबड्डी का डेमो हो, और उसके पहले हो तो इवन बेटर। हमारे तो बिल्कुल अभी बिल्कुल होना चाहिए। स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपने नोटिस नहीं किया होगा, वॉरियर्स अरीना ने करमबीर को सब्स्टिट्यूट करके अंदर लाए हुए हैं। करमबीर हैज़ बीन वन ऑफ देयर मेन रेडर्स टिल नाउ, एंड उनके एक और मेन रेडर बाहर बैठे हैं आकाश, जर्सी नंबर 2 में। अगर आकाश भी अंदर आ जाते हैं तो फिर ये गेम बदल सकता है अगले कुछ क्षणों में। बिल्कुल, यह गेम आकाश की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, मतलब yes very much, but Akash I think is sitting out to give 5.5 फीट के ही आकाश, but Anish अभी 2 पॉइंट लेकर गए हैं। See that was a mistake tackle by Akshay Kumar। अगर आप देखोगे Anish तो बॉक लाइन के पास भी नहीं था, देखिए कहाँ पे मिड लाइन के पास में खड़े हैं और उसने डाल दिया टैकल अक्षय। बिल्कुल बिल्कुल मिड, तो ये काउंट नहीं होगा, मतलब ये पॉइंट काउंट। अरे क्यों नहीं काउंट होगा, पॉइंट लिया है अनीश ने यार, गलती किया डिफेंडर ने, तो पॉइंट तो मिलेगा ना अनीश को, 2 पॉइंट मिलेंगे इनफैक्ट। अच्छा। और उसी टाइम सामने वॉरियर्स अरीना में भी गलती कर रहे हैं सचिन और रोहित विजय, पॉइंट लेकर चले गए फिर से। देखिए कहाँ पे ब्लॉक कर रहे, देखिए कहाँ कर रहे ब्लॉक, आपको जो हमने बताया लाइन के पास। हाँ वो मिड लाइन के पास कौन ब्लॉक करता है, बॉक लाइन पे ब्लॉक करना बनता है, मिड लाइन पे नहीं करते ब्लॉक, एकदम बौकाल लाइन है ये तो। सो मूरख सिंह जी, आपको अभी इतना कबड्डी तो आप एक हाफ देख चुके हो, कबड्डी का 2nd हाफ हो रहा है, पूल बी का लास्ट गेम है, आपको क्या लगता है कबड्डी आप आगे कितना देख पाओगे? अरे नहीं एकदम, ये तो देखने में कोई चिंता की बात है नहीं, इतना आसानी से समझ में आ रहा है, और आप भी इतने अच्छी तरह से जो रूल समझा रहे हैं बढ़िया तरह, और हम तो अभी इसी में डूब, जैसे अभी राहुल समुंदर है, हम इसी कबड्डी के समुंदर में डूब जाएंगे और पूरा इसको आनंद से देखेंगे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। जसवंत को आप देखिए उसी टाइम पॉइंट लेके जा रहे हैं। आई थिंक यू नो द K7 what we have noticed is it's put together some of the best quality of kabaddi in the last 2 years. There has been almost no kabaddi on air. The last tournament that came on air was the K7 qualifiers which happened in March. उसके पहले जनवरी में एक टूर्नामेंट होता गोटेगांव, जो भी कबड्डी अड्डा पे लाइव था। सो दीज काइंड ऑफ इवेंट्स डोंट एग्जिस्ट इजीली, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात ये बताइए अरविंद जी, इतना अच्छा अच्छा टैलेंट इधर मिल रहा है, इतने लोगों का टैलेंट प्रदर्शन हो रहा है, ये कहाँ से छांट के लाए थे इतने अच्छे खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट के लिए? ये सर ये ना हम this tournament used, we have been focusing on getting academies. Kabaddi Adda पे there are almost 90 academies listed, जो हम जाकर हर academy को visit करते थे, and वहाँ से हमने invitational 16 academies को बुलाए थे for a qualifiers that happened in March. These 16 academies से there were 8 toppers for all the pools and 2 wild card entries. वो 2 wild card entry में से एक था AAA academy और दूसरा तरफ परवीन एंड जसवीर। अगर आप देखोगे इस टूर्नामेंट में अभी परवीन एंड जसवीर एंड AAA have really justified the wild card. They have been among the best teams in the tournament. देखो अनु ने डुबकी ट्राई किया बट डिफेंस उनको रोक दिया. ये डुबकी का कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है का? नहीं नहीं, यू गेट नो एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर न्यू स्किल्स, बट स्किल्स आर व्हाई यू गेट पॉइंट्स. अभी देखो अनु तो स्किल एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो डिफेंडर्स ने रोक दिया उनको. So you don't get any extra points or skills, but you need to have variety of skills. Otherwise, defenders can easily plan on how you can be stopped. बहुत बढ़िया. अभी हम ये ऐसा हमको आइडिया आ रहा है जैसे हमारे क्रिकेट में जब हम खेलते थे ना, बॉल कभी कभी स्टंप को लग जाता था, बेल को लग जाता था, तो बेल पर लाइट आ जाती थी. हमको ऐसा लग रहा है ऐसा आविष्कार होना चाहिए कि शर्ट पर भी लाइट आ जाए, अगर जैसे कोई रेडर छू दे तो वो लाइट चमचमाने लगे. देखो उसी पे हमको याद आया, हमारे जो स्पॉन्सर है ना ग्रेवोलाइट, दे आर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिंग इन मेकिंग सम न्यू इनोवेटिव मैट्स. ग्रेवोलाइट इज एक्चुअली द वन ऑफ द लार्जेस्ट मैट मैन्युफैक्चरर्स इन द कंट्री. दे हैव प्रोवाइडेड दिस फैंटास्टिक मैट दैट यू आर सीइंग ऑन व्हिच द किड्स आर प्लेइंग. ग्रेवोलाइट इज एक्चुअली एक्सप्लोरिंग इनोवेटिंग ऑन दिस व्हेन द प्लेयर क्रॉसेस अ लाइन दैट द लाइन लाइट्स अप. तो शर्ट की जो नहीं वो मैट पे तो वो कर ही रहे हैं. दे हैव डन सम वेरी गुड वर्क. अरे बहुत ही अच्छा मैट लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि अगर इस पर सोएंगे तो बहुत अच्छा नींद आएगा. उस पे हमको याद आया, ये देखो ये भी सो ही गए हैं. नहीं नहीं, आपको एक स्टोरी बताते हैं. आज दोपहर को जब मैच पे ब्रेक था, हमारे टीम से एक बंदा तो मैट पे जाके सो भी गया. बाहर मैट डाल दिए हरियाणा के मौसम में और सो गए. तो आप जो बोल रहे हो होता है. अब इतना अच्छा मैट बनाएंगे तो ऐसा तो होगा ही ना. They do make the best match in the country. They have been very strong supporters of the sport. They partnered with us even in the qualifying events, and they gifted a mat to the Khokar Academy back then. Now they are partnering with us for the K7 Stage Up event also. We are really grateful to have partners like Gravolite who really care about players' fitness. You know, make sure you try to minimize injuries. Those are the kind of things that you have to do as a manufacturer, right? Invest in building the best quality of equipment and product. बिल्कुल बिल्कुल, because these are the things that matter. Very well done. That was a very well matted answer. But as you would notice, the lead continues to grow. Amit Ashok Academy is now leading by 13 points against the Warriors Arena. They have already secured their place in the Super 6. The Amit Ashok Academy, I think, will be playing the second game tomorrow morning. So they are already well set to come in and play the morning game tomorrow. ये तो जैसे उनके लिए वार्म अप मैच हो गया है और ये विजय जी बहुत से पॉइंट लेते जा रहे हैं. आई थिंक लीड में सबसे ज्यादा उन्हीं का कंट्रीब्यूशन रहा है. Yeah, Rohit Vijay, as you said, has been dominating the point scoring for the Amit Ashok Academy, but the Warriors Arena, after Karambir has come on board, has also not done much yet. You know, Karambir you would think is leading, but the reality is, although Rohit has got 8 points, Jaswant has also scored 9 points. So Jaswant, who is not come into rate for some time now, Jaswant is in jersey number 11 for the Amit Ashok Academy. He's already scored 9 points in this game. Rohit has actually scored 8 points, but in 10 raids. So Rohit obviously कम time के लिए मैच पे कम raids किए हैं, but वो 8 point already ले चुके हैं. This is Karambir जो substitute होकर अंदर आए हैं. He was an important raider for the Warriors Arena. Can he turn this game around? Looks like he can, right? बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा जी अरविंद, ये बात बताइए, जैसे क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच होता है, फुटबॉल में भी मैन ऑफ द मैच होता है, वैसे हर गेम के बाद जो सबसे अच्छा खिलाड़ी खेलता है उसको पुरस्कार मिलता है का? देखो, हम इन द सुपर सिक्स स्टेजेस वी आर एक्चुअली गोइंग टू हैव दिस. इफ यू लुक एट kabaddiadda.com, द टॉप प्लेयर्स फॉर एवरी मैच आर बीइंग अनाउंस्ड बोथ बाय एज अ रेडर एंड एज अ डिफेंडर. इनको फिर से पकड़ लिया है नंबर 11 को, 3-4 लोग मिलके. तो आई थिंक अब फिर से सुपर टैकल का चांस आ गया है. 3 लोग हैं ना. Correct, correct. Exactly. You have understood the rules very well, Murak Singh ji. Tell me something. When you, as your with all your COVID awareness experts, with all your COVID awareness work, what are some of the very funny things you have seen people do? अरे कितना फनी चीज लोग करते हैं कोविड के नाम पे। एक तो वो मास्क को ऐसे डालते हैं जैसे कि झुमका हो कान का, जैसे कभी अगर चिन के नीचे टब लगा देते हैं अपना डबल चिन छुपाने के लिए, कभी ऐसा झुमके की तरह कान में बाली की तरह लगा देते हैं। अब भैया मास्क है, मास्क है तो मुंह और नाक पर डालेंगे ना, लोग डालते ही नहीं है और फिर बोलते हैं ये मास्क बेकार है। सबसे कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं मास्क पहनने से पता नहीं सरकार को पैसा मिल रहा है। भाई अपने टी शर्ट को फाड़ के बना लीजिए, किसको पैसा मिल रहा है, नाक तो ढकिए। ताकि ये आजकल क्या हो रहा है, इतना सब जो सेकंड वेव थर्ड वेव हो रहा है ये ऐसे ही फैलता है। और सबसे बड़ी जो गलतफहमी है लोगों को वैक्सीनेशन को लेके है, उनको एक तो लगता है कि वैक्सीनेशन से कुछ असर नहीं होता, और कुछ लोगों को लगता है वैक्सीन डाल दिए तो आप बीमारी फैला नहीं। गलत बात है, आप वैक्सीन डाल के भी बीमारी फैला सकते हैं। तो फर्ज बनता है सबका कि मास्क डाले और अच्छी तरह से डाले, और फिर कोई चिंता की बात नहीं होगी। Thank you very much. One of the things we have noticed that we like very much about all the academy students, the coaches, the players is that everyone is using masks when they are not on playing a mat, right? And that sort of behavior I think is very important. We keep reiterating this, and we have noticed fantastic awareness. People have been taking vaccinations as they become eligible. This is something we think is very important, and we are ensuring that the young kids of the K7 who are participating become role models for their communities on taking vaccines, on using masks, and we hope this awareness spreads even deeper. नहीं, बिल्कुल सही बात। हमको है कैमरे में सब लोग जो ऑडियंस में बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, सब अच्छी तरह से ढंग से मास्क पहन कर बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तब भी ये जो बबल है, गुब्बारा है, ये सुरक्षित रहेगा। Yeah, I think it's a very important thing that this is a tough time for our country. It's something that all of us need to fight together. It's not something that will get solved easily, right? And as we speak, the lead continues to stay between the 12, 13, 14 point range. Even when you see the Warriors Arena take points, Amit Ashok Academy is coming back and catching up. Rohit continues to raid, and अब देखो उन्होंने dash try किया, रोहित को point मिल गया वहाँ पे। अरे बहुत पॉइंट ले चुके हैं। अच्छा ये अरविंद जी, जब हम बचपन में कबड्डी खेलते थे तो ऐसा कबड्डी 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 वैसे बोल के जाना होता है, अब ऐसा नहीं हो गया क्या, रूल बदल दिए हैं क्या? सो दैट इज कॉल्ड द कैंट, एंड द प्लेयर इज एक्सपेक्टेड टू कैंट, बट नाउ रेड्स आर लिमिटेड टू 30 सेकेंड्स. इफ यू ब्रेक योर कैंट यू आर गिवन आउट. इट्स नॉट सपोज टू बी लाउड, बट प्लेयर बोलते रहता है कबड्डी कबड्डी कबड्डी. यू विल नोटिस इफ यू लुक वेरी केयरफुली. We can maybe ask our cameraman to focus on a couple of raiders' faces very closely when they are raiding, and you will notice that the player has to keep canting. In fact, हमने तो notice किया था इस tournament में recently भी एक player को out दिया था पिछले 2 गेम पहले कि वो उनका cant छूट गया. So it's very important that you maintain your cant throughout the raid. So you can't miss your cant. You can't. एंड देखिए अभी तक रोहित विजय 9 पॉइंट पर ही है और जसवंत भी 9 पॉइंट्स पे है। हम कबड्डी में ना जब प्लेयर को 10 रेड पॉइंट मिलता है तो हम उसको सुपर 10 बोलते हैं। अभी बोथ रोहित और जसवंत 9 पे ही अटके हुए हैं, और वहाँ पे सामने तो अक्षय कुमार तो खुद 8 पॉइंट पे पहुँच गए। कॉर्नर डिफेंडर है भाई, 10 पॉइंट कैसे लेते हो, 5 पॉइंट लो खुश रहो। ऐसे डिफेंडर को 10 पॉइंट लेते हो तो हमने देखा नहीं है। बहुत ही डोमिनेट कर रहे हैं अक्षय कुमार इस गेम को। अब नाम अक्षय कुमार है तो डोमिनेट तो करेंगे ही, खिलाड़ी तो होता ही है अक्षय कुमार। सर उनके खिलाड़ी मूवीज आपने देखे हैं इस अक्षय कुमार? अरे बिल्कुल देखे हैं, दो मूवी आते हैं। अरे बिल्कुल खिलाड़ी की तरह देखने के बाद हमें खिलाड़ी के साथ बर्ताव भी किया गया है, क्योंकि हम बिना टिकट के घुस जाते थे अंदर। फिर हमारे साथ क्या होता था, कबड्डी होता था और फिर रेड पड़ती थी, पकड़े जाते थे उसमें। सर आप तो बहुत ही कलरफुल लाइफ जीते हो, तो आगे बताइए ये जो हो रहा है ना इसी को टाइम आउट बोलते हैं। अब एक टीम जब टाइम आउट लेती है तब दोनों टीम सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रूल है। हर हाफ में हर टीम को 2 टाइम आउट मिलते हैं। जब आप टाइम आउट ले सकते हो तभी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कभी कभी तो कोच टाइम आउट लेते हैं टीम को पूछने के लिए कि भाई कर क्या रहे हो, वाई डोंट यू गेट योर थिंकिंग करेक्ट. सो वॉरियर्स अरीना फॉर एग्जाम्पल हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लिक्ट एन ऑल आउट ऑन द ट्रिपल ए. अभी अनु को रोक देंगे तो वहाँ पे सामने सुपर टैकल कर देंगे। बट दिक्कत ये है कि सामने उठा दिया यार बच्चे को तो उन्होंने। बताओ। With that, Anoop goes out, and now it's a question, right? Can the Warriors Arena take Akshay Kumar out? Akshay Kumar has been the standout player of the match, and देखो सामने आपको दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर पे अक्षय कुमार जर्सी नंबर 4 में। एकदम एकदम बहुत बढ़िया। हम एक और चीज नोटिस किए हैं, अभी जब टाइम आउट में जब कोच वहां आते हैं तो वो मास्क लगा के आते हैं, तो पता ही नहीं चलता क्या बोल के गए एडवाइस, नहीं तो लिप रीड करके देख भी सकते थे। Coaches are, you know, ensuring that they display the right behavior. Wearing a mask is not mandatory because they are already in the bubble, but it is just a way to demonstrate to the youth in the country that it is important and good to keep your mask on throughout. Even when you are coaching your own team, please wear your mask. Your players will make the effort. अरे यार रोहित विजय का सुपर 10 हो गया उसी पे। That was a mistake from the left corner of the Warriors Arena. अक्षय कुमार से सीखना चाहिए इनको। देखो अक्षय कुमार सामने हैं, वो अभी तक पॉइंट दे नहीं रहे हैं और वेट कर रहे हैं वो। He will pounce। अक्षय कुमार को आउट करने के लिए तो भैया अंकल को लाना पड़ेगा आपको। किसको? अंकल को। देखिए मैं ना पिछले मैच में आई वाज टेलिंग आवर को कमेंटेटर, देखो दिस इज व्हाट अक्षय कुमार क्या मस्त पकड़ा है, बहुत सही। कॉर्नर में खड़े होकर वेट कर रहे थे, फिर लपक लिया जैसा ही पैर दिख गया। और उसी के साथ तो अक्षय कुमार का सुपर 10 क्या बोले, हाई 10 बोल देते हैं। 10 पॉइंट तो डिफेंडर ने ले लिया मैच में। और इनका जो टेक्निक है बहुत अच्छा लगा है, ये अपना आर्म और शोल्डर से जकड़ते हैं एंकल को ताकि फिसल के भी नहीं जा सकते। अगर हाथ से कोई ट्राई करता है तो कभी कभी पसीना वगैरह होता है तो आप फिसल सकता है, लेकिन ये अपना मैंने 2-3 बार देखा है कि एकदम अपने बाजुओं को यूज करते हैं एंकल को पकड़ने के लिए। इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन मूरख सिंह जी, दैट एज अ डिफेंडर हैविंग द राइट टेक्निक व्हेन यू आर टैकलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू सॉ अक्षय कुमार पुट इन अ ankle hold very early in the game. What you saw previously was a diving ankle hold where he used his shoulder, he used his biceps, and this variety of skills as a defender is very important beyond just having good timing, right? बिल्कुल। तो अभी आप बुकला वाले लाइन को छू के आए हैं तो मतलब रेड एक्टिवेट हो गया है। एग्जैक्टली, वेरी वेल डन। और वो देखो वो ब्रॉन्ज कलर्ड शर्ट छू कर गए हैं जो ब्रॉन्ज पीवी सिंधु आज लेकर आई है। इट्स बीन अ वेरी गुड कैंपेन फॉर सिंधु आफ्टर गेटिंग अ सिल्वर लास्ट ईयर, गेटिंग अनदर ब्रॉन्ज। देयर आर वेरी फ्यू एथलीट्स हु कैन क्लेम टू गेट मेडल्स इन मल्टीपल ओलंपिक्स, एंड पीवी सिंधु हैज डन दैट फॉर इंडिया। यू नो इट्स ऑलवेज द गर्ल्स हु हैव मेड अस प्राउड। ऑल द मेडल्स वी हैव टिल नाउ are from women athletes, if I'm not wrong. Is that correct, Murak ji? हाँ, हमारे भी यही हम ऑब्जर्वेशन किए हैं, तो हम यही हमारी जो देश की महिला हैं उन्होंने एकदम हमारे गर्व से सर ऊपर कर रखा है। वैसे पहले से ही पता था उनको गोल्ड सिल्वर में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है आदमियों से, लेकिन अब एकदम अपने घर में अगर नहीं दिलाएंगे तो भैया ओलंपिक्स ही तो ये ले लेंगे अपना सिल्वर और ब्रॉन्ज और गोल्ड ये सब। One of the things we are seeing, you know, we have just 4 minutes to go in this game, and यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो दोनों टीम को 1 पॉइंट मिला है, क्योंकि देखिए डिफेंडर को तो रोक दिया बट उनको रोकते रोकते डिफेंडर भी मैट के पूरा बाहर चला गया। देखिए जर्सी नंबर कौन है वो बाहर गए, एक डिफेंडर भी बाहर गया और एक रेडर भी बाहर गया, दोनों साथ में बाहर चले गए, इसीलिए दोनों टीम को 1 पॉइंट मिला है। एकदम अक्षय कुमार जी फिर से रेडी हो गए हैं हाथ पकड़ के। हाँ मोहित को आउट कर दिया करमबीर ने। मोहित राइट कॉर्नर में खेल रहे हैं। अमित अशोक एकेडमी आर वेरी हैप्पी, उनको पता है ये गेम तो वो जीत चुके हैं। इट्स अ वेरी दे आर प्लेइंग अ इजी गेम, दे आर ऑलरेडी लीडिंग बाय 13 पॉइंट्स। 3 मिनट पे तो वॉरियर्स अरीना 13 पॉइंट तो नहीं ओवरकम कर पाएगी जब तक वो ऑल आउट नहीं कर पाए। जैसे आपने बोला जब तक खिलाड़ी अक्षय कुमार मैट पे है कहाँ आप ट्रिपल ए को ऑल आउट करोगे। एकदम एकदम। आई थिंक ट्रिपल ए के टीम में ये दो काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, एक तो ये विजय साहब हैं और ये अक्षय कुमार साहब हैं, और इन्होंने काफी हद तक इस टीम को जिताने में बहुत कोशिश की है। यस, दोनों का 10 पॉइंट हुआ है। इनफैक्ट रोहित विजय, जसवंत और अक्षय कुमार तीनों का 10 पॉइंट मुझे दिख रहा है कबड्डी अड्डा .com पे। एंड आगे देखें तो वॉरियर्स अरीना में अनीश 13 पॉइंट मिला है और साहिल सतबीर 7 पॉइंट लेकर गए हैं। बिल्कुल, तो जब आपका रेडर और डिफेंडर दोनों स्ट्रांग हो तो भैया टीम तो हराने में मुश्किल ही है, और फिर जो ऑपोजिशन है ली जाएगा ट्रिपल लेकर करके। तो यहाँ पे अनु भी ट्राई कर रहा है। अनु सीम्स लाइक द फ्यूचर यंग टैलेंट्स कमिंग फ्रॉम द अमित अशोक अकेडमी। This platform, the K7, was conceptualized as something to give youth players a really strong opportunity to showcase their talent, to be considered for professional teams to hire, to set up as appearances for job interviews. We hope that this platform gives these kids an opportunity to not just learn to play under pressure, but also put in some of the best skills that they have on display, right? And you have actually missed one of the best players in the AAA Academy because he's resting. Ashu Malik is one of the top raiders of the tournament till now. And Ashu Malik, उनके captain भी हैं, अब आज तो bench पे बैठे हैं, team तो उनके बिना भी जीत रही है. That is what I would call a strong team effort. बिल्कुल बिल्कुल, यही वो जसवंत है जिनके भी 10 point हो चुके हैं raiding में. And इस time तो उनको defenders ने रोक दिया पूरा। बहुत ही उम्दा खेल है, बहुत ही हाई क्वालिटी का टैलेंट का प्रदर्शन है। ओए कैसे कूद के पकड़ा है, वाह वाह, पकड़ नहीं पाया। अनीश एस बी पॉइंट चला गया। अभी आप देख रहे हो अक्षय कुमार तो अभी भी मैट पे अकेले खड़े हुए हैं। अनु आउट हो गए लेकिन अक्षय कुमार वहां है। दिस इज बिल्कुल, यू नो, अनीश हैज बीन द स्टैंड आउट प्लेयर फॉर वॉरियर्स अरीना। अक्षय कुमार रेड तो नहीं कर सकते, बस डिफेंस पे गए हैं और रेड करते हुए भी कॉर्नर पर चले गए थे। देखिए आप, बोनस तो ले लिया अक्षय कुमार ने, उस रेड पे भी बोनस लेकर ही आउट हुए हैं। एंड सामने से अनीश आए हैं, उनको तो 14 पॉइंट मिला है। वॉरियर्स अरीना में अनीश, ही स्कोर 12 पॉइंट्स इन रेड, ही इज एक्चुअली द बेस्ट रेडर ऑफ द मैच, बट एंड ही आल्सो स्कोर 2 पॉइंट्स इन डिफेंस। बहुत बढ़िया। ये जो बच्चे लोग खेल रहे हैं उनका क्या उम्र होगा अरविंद जी? So this tournament is designed to have players only under 21 years of age. There are younger children, and there is another important criteria that everyone should be under 80 kgs of weight. And I think that's the first point of the day for Anu. Anu has been trying hard for a long time. Oh, I know he's actually got a couple of points before. I think he's had a few raids in the middle where he didn't get points. Anu is. No, you saw a little clap go around. I think Anu is one of the youngest players in the tournament playing today. All players under 21, lot of them being the future of kabaddi in India. They are likely to be the future stars. Some of these players will be the stars this year. Some of them will show up in the next 2-3 years. And as we speak, that's end of time. और ट्रिपल ए की जीत बहुत शानदार तरीके से। Finally तो सिर्फ 8 पॉइंट से जीते हैं वो। This game looked much wider उसके पहले। एक नहीं, लेकिन लीड को कम करने की बहुत कोशिश की है वॉरियर्स अरीना ने, लेकिन ट्रिपल ए तो ट्रिपल ए है और बहुत ही उम्दा खेल उन्होंने प्रदर्शन करके आज फिर से जीत हासिल कर ली है। मूरख सिंह जी, आपके साथ बात करके मुझे तो बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, शेयरिंग सम ऑफ योर टिटबिट्स ऑन व्हाट पीपल डू वेरी foolishly with masks, and appreciating the K7 platform, talking about the quality of kabaddi and also talking about the maintenance of bubble within our event. I think this is a platform that we would really love to invite you on further. If you do have the time over the next 7 days, please do let us know. Be happy to have you on air and, you know, get more insights of what people should be doing to make sure that we can fight this COVID battle very well. Thank you very much for your time. बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी बहुत बहुत मजा आया। बहुत मजा है, बहुत आनंद है। हम बस जाने से पहले एक चीज कहना चाहते हैं कि भाई लोग थर्ड वेव आने से पहले आप थर्ड वेव को ही कबड्डी करके धट पटक करके रोक दीजिए, नहीं तो फिर ऐसा इतना अच्छा अच्छा खेल आप नहीं देख पाएंगे। लाइव देखना चाहते हैं तो प्लीज मास्क पहनिए, वैक्सीनेशन लगवाइए और फिर इस जैसे खेल और इन खिलाड़ियों को आप सपोर्ट कीजिए और हमारा ओलंपिक्स में और बाकी स्पोर्ट्स में और भी मेडल और नाम हो। धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू। As you go off, please remember we have the Super 6 coming up tomorrow live on FanCode at 10 a.m., 12 noon and 6 p.m. Morning 10 a.m. you have the NK Academy playing the Amit Ashok Academy, and we have the PNJ Academy playing the Narwal Kabaddi and Sports Academy, and Bhaini School playing the DNH Foundation. Lot of exciting matches coming up. And we look forward to seeing you tomorrow. And that's me, Arvind, signing off. Murat Singh Dichot chale gaye. We will see you tomorrow morning at 10 a.m. live on FanCode.